أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. سورت الاعراف ہے اور سورت الاعراف کا مرکزی اور بنیادی مضمون تھوڑا سا آپ ذہن نشین فرما لیں تو آگے یہ آنے والے جو واقعات ہیں ان واقعات کا سمجھنا آسان ہوگا. بالکل آپ شروع میں آ جائیں. سورہ اعراف جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو جو بنیادی اور مرکزی مضمون تھا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب یہ قرآن مجید آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے لہذا آپ اپنے دل کے اندر کسی قسم کی دقت تنگی تکلیف محسوس نہ کریں
कि ये अल्लाह का पैगाम फैलाने की वजह से लोगों की तरफ से हालात आएंगे, सख्तियाँ आएंगी और आप किसी भी किस्म की घबराहट अपने दिल के अंदर न लेकर आए। लितुंदिरा बिही, आप इसके ज़रिए से लोगों को डराएंगे। वज़िक्रा लिलमुमिनीन, और ईमान वालों के लिए ये हिदायत और नसीहत का ज़रिया है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से जो आपकी तरफ भेजा गया है आप उसकी इत्तबा कीजिएगा और उसके अलावा आप लोगों की बातों में मत आइएगा। ये मज़मून बुनियादी तौर पर इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है, नंबर एक कि अल्लाह पाक की तरफ से ये कलाम उतरा है, आप अपने दिल में किसी भी किस्म की तंगी महसूस न फरमाएं। नंबर दो, इसके ज़रिए से आप लोगों को डराएंगे, यानी ये मज़मून जो है बुनियादी तौर पर ये है कि इस किताब के ज़रिए से आप लोगों को डराएं, इस कलाम के ज़रिए से आप लोगों को डराएं और ये लोगों के लिए एक नसीहतनामा है। नंबर तीन, अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगामात की आप इत्तबा करते रहिए, आप माहौल और माशरे को न देखिए। कलीलम्मा तज़क्करून, नसीहत हासिल करने वाले कम ही होंगे, आप ये न देखिएगा कि मैंने इतनी नसीहत की, मेहनत की, कोई नतीजा अख़्ज़ नहीं हुआ, आप इसमें मत घबराइए। और कितनी बस्तियों को हमने हलाक किया, आगे ये मज़मून है। इसके बाद फिर इंसान के कुछ अमाल का बयान था और फिर आदम अलैहिस्सलाम का और शैतान का तज़किरा आया कि ये अज़ली तुम्हारा दुश्मन है शैतान, और तुम्हारे बाप आदम और हव्वा को भी इसने बहकाने की कोशिश की थी। और उसके बाद फिर या बनी आदम क़द अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम, या बनी आदम से चंद अहकाम दिए थे कि लिबास अल्लाह पाक ने तुम्हें इज़्ज़त के लिए अता फरमाया है और लिबास के ज़रिए से तुम अपनी इज़्ज़तों को छुपाते हो, जीनत का ज़रिया है। और शैतान का अव्वल हमला था लिबास के उतारने का कि उसने बेहयाई को पैदा किया है और बेहयाई के जरिए से लोगों को उसने वरगलाया और गुमराह किया। और उसके बाद कुछ तहलील और तहरीम की बातें कि अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनको हलाल समझो, जिनको हराम किया है उन्हें हराम समझो। और उसके बाद जन्नत वालों का और जहन्नम वालों का बाहमी मुकालमा था, और इस मुकालमे के बाद फिर अल्लाह पाक की कुदरत के कुछ दलाइल थे। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, इस रुकू में अल्लाह की कुदरत के दलाइल, वहदानियत और तौहीद के दलाइल कि आसमान ज़मीन का पैदा करना, अर्श पर मुस्तवी होना, दिन रात का चलाना, सूरज चांद सितारों का बनाना, और ये सब कुछ अल्लाह ही करता है। जब अल्लाह ही ये सब कुछ करता है तो इबादत और बंदगी के लायक भी वही है। और फिर अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को पाकीज़ा पाक पैदा किया है, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन के अंदर आके हक़ को, तौहीद के पैगाम को फैलाया है, लिहाजा कोई आदमी कुफ्र करके, शिर्क करके और बेहयाई और फसाद का इर्तिकाब करके इस जमीन के अंदर खराबी न पैदा करे। और फिर इस तरह से एक मज़मून ये समझाया था, हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैन यदै रहमती, आसमान से अल्लाह बारिशें बरसाता है और उसके ज़रिए से बंजर ज़मीनों को अल्लाह पाक काबिले काश्त बनाता है और उससे ज़मीन से नबादात निकलते हैं, इसी तरह से अल्लाह पाक तुम्हें भी उठाएगा। और इससे ये बात भी समझाई है कि जिस तरह से आसमान से अल्लाह पाक बारिशों को बरसाता है, बंजर ज़मीनें ज़िंदा होती हैं और काबिले काश्त बनती हैं, ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बारिश के असर को कबूल नहीं करते और उससे कोई सब्जा नहीं उगता। यही मिसाल वही की भी है कि आसमान से अल्लाह पाक ने वही का नुज़ूल फरमाया और कुछ कुलूब ने, कुछ दिलों ने वही के असर को कबूल किया और उससे उन दिलों के अंदर से नबातात और खैर की बातें निकल दी हैं, लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। जैसे ज़मीन से लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसी तरह से ऐसे खैर के लोग हैं उनसे भी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। और कुछ कुलूब ऐसे हैं, कुछ दिल ऐसे हैं, ऐसी ज़मीनें जो पत्थर ज़मीनें हैं, सख्त ज़मीनें हैं, वही से असर नहीं कबूल करती और लिहाजा वल्लज़ी खबूसा ला यखरुजु इल्ला नकेदा, उनके अंदर से खैर नहीं फिर शर ही शर निकलता है। इस तरह से फरमाया कि हमने खोल खोल के आयात को बयान किया। उसके बाद अर्ज किया था कि पांच अकवाम का तज़किरा है। पांच अकवाम, वो पांच अकवाम हैं कि जिन पांच अकवाम को अल्लाह तबारक ताला ने इस्तेसाल किया है, जिनको अल्लाह पाक ने तबाह किया है और
अल्लाह की तरफ से अजाब आए और उन अजाबों के नतीजे में वो कौमें गर्क हुई। फिर छठी कौम का तज़किरा है, वो है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, कि जिस कौम की मुनासबत इस उम्मत के साथ है। तो ये यहाँ ये समझें कि पांच इन अकवाम का तज़किरा है और छठी कौम मूसा अलैहिस्सलाम कि जिसको अल्लाह तबारक तआला ने उस तरह से हलाक नहीं किया जिस तरह से पाँच अकवाम को अल्लाह पाक ने तबाह किया है। छठी कौम की जो तबाही और बर्बादी है वो उस तरह से अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है कि इनको इस छठी कौम की मुनासबत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ भी है कि इनका इस्तिसाल और जो ख़त्म किए गए वो किस तरह से कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको अपनों के हाथों से ख़त्म कराया। क्या माना कि जो मानने वाले थे उन मानने वालों को अल्लाह पाक न मानने वालों पर मुसल्लत करता है और वो जो न मानने वाले बागी और सरकश लोग होते हैं वो जिहाद के ज़रिए से इस तरह से उनका खात्मा कराया जाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मुनासबत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की मुनासबत के साथ है, इसलिए उसका तज़किरा भी जावज़ आता है। अब यहाँ जिन पहली पाँच अकवाम का तज़किरा है, इन पाँच अकवाम के अंदर जो जराइम थे वो जराइम ऐसे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर यही जराइम है। अगर पूरी दुनिया के जराइम का आप अंदाज़ा लें तो उन तमाम के तमाम जराइम का लुब लुबाब और ख़ुलासा यही पाँच बातें निकलती हैं जो इन पाँच कौमों के अंदर पाई जाती थी। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है जो कुफर में और शिर्क में मुब्तला थी, कुफर और शिर्क में हद से आगे बढ़े हुए थे और अल्लाह पाक की तरफ से आने वाले हर पैगाम को ठुकराना और अल्लाह पाक के साथ दीगर शरीकों को शरीक करना। अल्लाह के वजूद के मुनकर नहीं थे, मानते थे अल्लाह है। अल्लाह तबारक तआला की कारीगरी के मुनकर भी नहीं थे, आसमान ज़मीन का रब खालिक कौन है, अल्लाह है, इसके इकरारी थे। और इसी तरह से बड़े बड़े हालात कौन पैदा करता है, अल्लाह है। बड़ी मुसीबतों को कौन हल करता है, अल्लाह है। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने मातहत छोटे छोटे खुदाओं को पैदा कर रखा है, वो छोटे छोटे खुदा भी जो है बहुत सारे काम करते हैं। वो कोई बेटे देता है, कोई बेटियां देता है, कोई हमारी ये हाजत पूरी करता है, कोई ये हाजत पूरी करता है। इनको हम राजी करेंगे तो हम अल्लाह तक पहुंचेंगे, इस तरह से बुतों के सामने जाके चढ़ावे चढ़ाते थे। तो ये खुल्लम खुल्ला ऐसी शिर्क में मुबतला थे। फिर अजीब बात यह कि इस कौम के अंदर जो शिर्क शुरू हुई है वो इस तरह से शुरू हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आठवीं पुश्त है नूह अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम के बाद। यानी यूं समझिए कि तकरीबन हजार साल का फासला है नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान में, हजार साल का फासला बताया जाता है। और नूह अलैहिस्सलाम के से पहले कुछ लोग नेकोकार गुजरे हैं जिसका तज़किरा सूरह नूह के अंदर भी आता है, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, ये नेक लोग गुजरे हैं। और वो नेक लोग जब दुनिया से चले गए तो उनके पैरोकार, उनके मानने वाले, उनके मुअतकिदीन उनकी बातों को याद किया करते थे कि बड़े अच्छे लोग थे और वो जब तक हमारी मजालिस में मौजूद रहते थे हम गुनाहों से बचे हुए थे, नाफरमानियों से बचे हुए थे, इस किस्म की वो हमें अच्छी अच्छी नसीहतें किया करते थे। तो शैतान ने इस कौम के दिल में आके ख्याल डाला कि आप चाहते हो कि आप उसी तरह से गुनाहों से बचो और आप नेक आमाल करो, तो जाहिर है हर आदमी यही चाहेगा कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं गुनाहों से बचूँ, नेक आमाल करूँ। तो शैतान ने यह कहा कि तुम उनकी तस्वीरें बना लो, मूर्तियां बना के अपने कमरों में नसब करो और जब तुम अपने कमरों के अंदर दाखिल हुआ करोगे तो तुम्हें वो अपने बुजुर्ग की मूर्ति देखकर अपने पुराने ज़माने याद आएंगे, तुम्हें माजी याद आएगा और फिर उनकी नसीहतें तुम्हें याद आ जाएंगी, इस तरह से तुम गुनाह से बच जाओगे। तो बज़ाहिर शैतान ने एक सादी सी आसान सी पट्टी उनको ये पढ़ाई, चुनाचे उन्होंने मूर्तियाँ रख ली। अब ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, ये इबादत नहीं करते थे, सिर्फ उनको देखकर उनकी नसीहतें याद आ जाती थी कि हाँ फलां मौके पर हम इनके साथ बैठे थे, उन्होंने यूं कहा था, हमने ये किया था, उन्होंने इस गुनाह से हमें रोका था, इस चीज़ से रोका था, इस चीज़ से रोका था। तो इस तरह से मूर्तियां बनाई उन्होंने। लेकिन ये नस्लें जिन्होंने मूर्तियां बनाई थी ये चले गए और जब आइंदा आने वाली नस्ल आई तो शैतान ने उनके जहन में ख्याल डाला कि तुम्हारे आबाओ अजदाद इनको तो पूछते थे। फिर जो नई नस्ल आई, नई नस्ल ने कहा हाँ हमें कुछ याद तो पड़ता है कि हमारे अब्बा तो जाके इनके पास बैठते थे, हमारे दादा तो इनके पास दोजानों होके बैठते थे। वो दोजानों होके बैठते थे अदब की वजह से, अब आने वाली नस्लों ने दोजानों बैठना शुरू किया इबादत की वजह से।
इस तरह से यहां से शिर्क का आगाज हो गया और शैतान ने उनको शिर्क पर डाल दिया। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस में मुबतला है? शिर्क के अंदर मुबतला थी, बुत परस्ती में मुबतला थी, कुफर में हद दर्जे पर जा चुकी थी और अल्लाह तबारक ताला को छोड़कर औरों को भी माबूद इन्होंने समझा हुआ था। दूसरी कौम जो है जिसका आगे तज़किरा आता है वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद जो कहलाती है। ये ताकत के घमंड में मुबतला थे, गुरूर में मुबतला थे, इंतहाई दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, सबसे जंगजू कौम थी और अल्लाह पाक ने इनको बहुत ताकत अता की थी। तो ये अपने ताकत के घमंड में आकर नाफरमानी कर बैठे, हमें भी कोई तबाह कर सकता है, भला हमें भी कोई अजाब दे सकता है, हम तो इतने ताकतवर लोग हैं। और तीसरी जो कौम है वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, जिसको कौम समूद कहा जाता है। ये सनअत और हिरफत के अंदर, कारीगरी के अंदर आलीशान महलात तामीर करते थे, आला आला घर बनाते थे। इन्होंने सुन रखा था कि भाई कौम नूह तबाह हुई है, कौम आद तबाह हुई है, इस किस्म के अजाब आए हैं, तो इन्होंने अपने आलीशान पहाड़ों के अंदर तराश तराश कर घर बनाए। गर्मियों के घर अलग, सर्दियों के घर अलग, अलग अलग किस्म के घर इनके बने हुए थे। सनात और हिरफत के अंदर बहुत आगे चले गए, इल्म के अंदर, फुनून के अंदर बहुत आगे चले गए और ये कहते थे कि हम कैसे तबाह हो सकते हैं, हमारा इस्तेसाल कौन कर सकता है। अल्लाह पाक ने इस कौम को भी तबाह किया। और फिर उसके बाद जो है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आई है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जुर्म क्या है? वो माल के फितने में मुबतला हो गए। माल के फितने में मुबतला होकर, माली घमंड में मुबतला होकर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की और नबी की बात को उन्होंने ठुकराया और जुटलाया। और अजीब बात यह है कि एक तो यह है कि शरई कवानीन से तजावज़ तो था ही था, तजारती कवानीन से भी तजावज़ करते थे। तजारती कवानीन से तजावज़ करने का मतलब क्या है कि दुनिया का हर मजहब, हर मजहब छोड़ें हर साहिब अकल ये कहता है कि तजारत के दौरान झूठ ना बोलना चाहिए, माल दिखाया और जाए, दिया और जाए, ये नहीं होना चाहिए। इस बात का गोया के मजहब के अंदर भी ये बात बहुत अतम दर्जे की मौजूद है, लेकिन मजहब से हटकर दुनिया का कोई भी आदमी इसको जायज़ और दुरुस्त नहीं समझता कि किसी के साथ धोखा किया जाए, किसी के साथ खयानत की जाए। तो ये इस किस्म की बेएतदालियों के अंदर भी मुबतला थे। दो जो तजारती कवानीन थे उन तमाम के तमाम कवानीन को इन्होंने पामाल कर रखा था। ये कौन थे? कौम शुएब, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। और पांचवी कौम है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहयाई का मुर्तकिब थी, बेहयाई का इर्तिकाब करने वाले थे और बेहयाई के अंदर इस कदर हद से तजावज़ कर चुके कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ज़रूरत को और ख्वाहिश को पूरा करते थे। तो जिनसी बेराह रवि का शिकार थे और जिनसी बेराह रवि का शिकार होने के साथ साथ मुफस्सरीन ने लिखा है कि और भी बहुत बद अखलाकी जराइम में मुबतला थे। मसलन डकैती करना, डाके डालते थे। इसी तरह से जो मेहमान इनके यहाँ आ जाता, मेहमान की इज्जत भी महफूज नहीं, मेहमान की जान भी महफूज नहीं, मेहमान का माल भी महफूज नहीं, न जान महफूज, न इज्जत महफूज, न माल महफूज। डकैतियाँ डालना, कबूतरबाजी के अंदर बहुत आगे बढ़े हुए थे ये कबूतरबाज लोग थे। और इसी तरह से नौजवानों का ये हाल था कि वो सरों पर मखसूस किस्म की पट्टियाँ बांधी हुई होती थी और हाथों में जब वो कड़े रखे हुए होते थे, गले के अंदर इस किस्म की जनार और इस किस्म के जेवरात, इस किस्म की चीज़ें गलों के अंदर लटकाई हुई होती थी और हाथों में कड़े बांधते थे और हाथों में कई किस्म की अंगूठियाँ होती थी इनकी। तो आज भी बहुत सारे लोग इस बुराई के अंदर मुबतला है। अब ये जो पांच बुराइयां मैंने गिनवाई हैं, इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया का आप जायजा लें तो तमाम के तमाम जराइम और बुराइयां इन पांच बातों के अंदर सिमट कर आ जाती हैं। इसलिए जा बजा कुरान में इन्हीं कौमों का तज़किरा है, जा बजा इन्हीं का तज़किरा है। बाकी अकवाम का भी जो तज़किरा है वो कहीं कहीं सरसरी जिक्र आता है, सरसरी उनका तज़किरा आता है, लेकिन बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया के इंसानों का अगर आप जायज़ा लेंगे, चाहे इस वक्त के ज़माने से आप जायज़ा लें या आज से 600 साल पहले के ज़माने का जायज़ा लें हालात का, लेकिन बुनियादी तौर पर इर्तिकाब इन्हीं मासी का है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुफ्र और शिर्क बुतपरस्ती में मुबतला थी, बहुत सारे लोग आज इसके अंदर मुबतला हैं। इसी तरह से
हज़रत हुद अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आज जिसको कहा जाता है, घमंड, ताकत की घमंड में मुबतला थे। बहुत सारे आज ताकत की घमंड में हैं जिनके पास, वो अलग बात है, उस वक्त की ताकत कुछ और थी, आज की ताकत कुछ और है। आज की ताकत असलहा के ज़ोर पर है, आज की ताकत दुनिया की जदीद जदीद टेक्नोलॉजी के तौर पर है, लेकिन उस ताकत के घमंड पर आकर दूसरों पर जुल्म करते हैं, उस ताकत की घमंड की वजह से दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसी तरह से सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का मैंने बताया कि सनात और हरफत के अंदर बहुत आगे बढ़े हुए थे, और उनको ये गुमान था कि हमारी जैसी इजादात, हम जैसे तरक्की याफ्ता लोग हैं, इस तरह से कौन हो सकता है, वो इस गुमान में मुबतला थे। और इसी तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम माल के फितने में मुबतला हो गई, और वो ये चाहते थे कि हम माल कमाने में बिल्कुल आज़ाद हैं, जिस तरह से हम चाहें हम माल कमाएँ, वो इस गुमान में मुबतला हुए। और लूत अलैहिस्सलाम की जो है वो बेहयाई और उरियानी और फहाशी के अंदर मुबतला थी। तो ये पांच बुनियादें हमेशा याद रखो, जहां पर भी तज़किरा आएगा ना, इन पांच बुनियादों को आप ज़हन नशीन फरमा लें। फिर एक बड़ी अहम बात मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप सूरत का मुद्दा और मरकजी मजमून और दावा, वो आप याद रखें। दावा क्या किया था सूरह आराफ के शुरू में कि हमने कुरान उतारा है, लितुनज़िरा बिही, ताकि इसके जरिए से आप लोगों को डराएं, और ये कुरान लोगों के लिए क्या हो, हिदायत हो, और इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो मज़ामीन आ रहे हैं उनकी आप इत्तबा कीजिए, वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया, गिर्द नवाह के माहौल को आप ना देखें। जब ये बात आप समझें तो अब पांच अकवाम के यहाँ जो तज़किरे हैं ना, ये तज़किरे अल्लाह तबारक ताला ने नबी रिसलातु वस्सलाम को तसल्ली देने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को सबक देने के लिए इन वाक़ियात को जिक्र किया। कैसे कि देखो गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को कैसे दावत दी और कौमों के आगे क्या जवाबात थे। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जैसे कि यहाँ नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यहाँ पर भी आएगा, इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फिर आगे भी आता है, आगे आप सूरह हूद के अंदर देखेंगे वहाँ पर भी तज़किरा आता है, इसी तरह से अल्लाह आपका भला करे सूरह शुआरा में देखेंगे वहाँ पर भी तज़किरा आता है, फिर सूरह नूह के अंदर बड़ी तफसील से तज़किरा है, इसी तरह से कौम आद का, कौम समूद का जो सूरतें मैंने तज़किरा की है, इन तमाम सूरतों के अंदर फिर उनके तज़किरे को दोहराया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और फिरौन का तज़किरा कितने मकाम पर आता है, यहाँ पर भी तज़किरा मौजूद है सूरतुल आराफ में, फिर उसके बाद सूरह यूनुस के अंदर मौजूद है, फिर सूरह हूद के अंदर आया है, और फिर उसके बाद सूरह मरियम के अंदर भी कुछ मुख्तसर सा तज़किरा है, फिर सूरह त्वाहा के अंदर बड़ी तफसील के साथ है, फिर सूरह कसस के अंदर बड़ी तफसील के साथ है, सूरह शुआरा के अंदर भी और ज्यादा तफसील के साथ ये किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और फिरौन का। तो हर जगह पर जब उस तज़किरे को, उस वाक़े को दोबारा लाया जाता है, बड़ी अहम बात है, हर जगह जगह पर जब उस वाक़े को दोबारा से जिक्र किया जाता है तो एक नया मकसद होता है। ये नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पर आया है दोबारा फिर आ गया, या अल्लाह ये फिर लगाने की क्या ज़रूरत थी। सूरह यूनुस में भी जिक्र आ रहा है, फिर सूरह हूद में भी जिक्र आ रहा है, और फिर उसके बाद में अब सूरह त्वहा में भी जिक्र आ रहा है, शुआरा में भी जिक्र आ रहा है, कसस में भी जिक्र आ रहा है, तो इतना बार बार उस वाक़े को क्यों जिक्र किया है। लेकिन याद रखिएगा हर जगह उस किस्से का अलग मकसद होता है। मसलन कभी मकसद ये होता है कि ए नबी देखो जिस तरह से आपने अपनी कौम को दावत दी और कौम ने आगे से बदतमीजी की, सख्त और कड़वे जवाब दिए, आपसे ज्यादा सख्त पहले नबियों को जवाब मिल चुके, वहां फिर कौमों के जवाब आते हैं, इसलिए कौम का तज़किरा आता है। फिर नंबर दो, ए नबी आप दावत दें, आप लोगों को समझाएं, और जो मुखालफत करने वाले हैं वो तबाह होंगे, देखें पुरानी कौमों को भी हमने तबाह किया, फिर कौमों की तबाही का हाल आता है। फिर कभी ऐसा होता है कि ए नबी आप बात करें, आप समझाएं, मौजज़ात की बात आती है, आपको भी हम मौजज़े दे रहे हैं, देखें मूसा अलैहिस्सलाम को भी हमने फलां फलां मौजज़े दिए, फिर मौजज़ात का तज़किरा आता है। फिर इसी तरह से जनाब कभी इस तरह से कौमों को खिताब होता है, कौमों को समझाना मकसूद होता है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और उम्मत मुहम्मदिया, देखो अगर तुम रोगुर्दानी करोगे तो अल्लाह पाक का अजाब ऐसे आएगा जैसे फलां कौम पर अजाब आया, फिर कौम का अजाब सुनाया जाता है। तो हर जगह अलग किस्सा मकसूद होता है, अलग वाकया, उस वाकये से एक अलग सबक मकसूद होता है। अच्छा, उस वाकये से जो सबक मकसूद होता है ना, तो अल्फाज आप देखेंगे उसी सबक के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं।
अल्फाज। कुरान उन मकसूदी अज्जा को जिक्र करता है, बाकी ज़ैली अज्जा को छोड़ देता है। इसलिए कि कुरान सिर्फ महज एक तारीख की किताब नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें जिक्र करे कि अच्छा ये कौम कहाँ थी, किस जगह पर थी, क्या इसका महल्ले वकूह था, ये कितनी आबादी थी, किस पर मुश्तमिल थी। ये कोई तारीखी किताब नहीं है, तो हिदायत नामा है एक कहीं। हाँ खुलासा तारीख से जो मकसूदी बात है वो कुरान उठा लेता है, बाकी तारीख को छोड़ देता है। जो मकसूदी चीज़ है वो जिक्र कर लेता है। जहाँ वजह आप देखेंगे सिर्फ मकसूदी अज्जा पर कुरान इक्तफा करता है। मैं एक मिसाल और देता हूँ, सूरह यूसुफ में आता है, या आप सूरह यूसुफ को भी देख लें, उसमें मैं आपसे अर्ज करता हूँ। सूरह यूसुफ में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरादरान ने कुएं में डाल दिया, फिर क्या हुआ, फिर काफले वालों ने निकाला, फिर क्या हुआ, मिस्र में जाके बिके, फिर क्या हुआ, अजीज़ मिस्र के घर में पले। अच्छा उसके बाद फिर तुहमत लगी, फिर जेल के अंदर चले गए, 7 साल तक, लगभग साल सात का ज़माना जेल के अंदर रहे। अब फिर जब जेल में रिहाई का वक्त आया तो बादशाह ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब जरिया बना किसका, रिहाई का। और बादशाह ने एक कासिद को भेजा, उसने कहा कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ख्वाब की ताबीर जानता है, मुझे जेल में भेजो। अब यहाँ कुरान ये तज़किरा नहीं करता कि उसको जेल में उन्होंने भेजा, वो गया, कैसे गया, जाके सलाम किया होगा, बात की होगी, इस बिल्कुल इसको कुरान नहीं छेड़ता। कुरान साफ इस बात पर आता है, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, उसने कहा फअरसिलून, तुम मुझे भेजो, मैं जाके ख्वाब की ताबीर लेके आता हूँ। तो अब अकल क्या कहती है, क्या आगे क्या होना चाहिए था। अच्छा बादशाह तुम्हें उसे कहता, भाई ठीक है आप जाओ, अच्छा मैं तुम्हारी सवारी का भी बंदोबस्त करता हूँ, अच्छा मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करता हूँ, जाओ। कुरान ये बात नहीं छेड़ता, बल्कि उसने क्या कहा, फअरसिलून, मुझे भेजो। तो आगे सीधे फिर कुरान उन अल्फाज को जिक्र करता है कि उसने जिसको भेजा गया उसका बराह रास्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुकालमा है। यूसुफ अय्युह सिद्दीक अफ्तिना फी सबई बकरात सिमान याकुलून, ए यूसुफ सच्चे हमें बताओ कि जनाब हमारे बादशाह ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, इसकी क्या ताबीर होनी चाहिए। बात समझ में जी। तो कुरान क्या करता है, सिर्फ मकसूदी अज्जा को जिक्र। अब एक और मिसाल में अर्ज करता हूँ, मदियन से जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, 10 साल मदियन में वक्त गुजरा, शादी हो गई और फिर वहां से वापस आ रहे थे मिस्र की तरफ कि मैं मिस्र में जाऊं, जरा हालात लेके आऊं, वालदा को मिल के आ जाऊं। तो मिस्र की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में अल्लाह पाक ने नबूवत से सरफराज फरमाया। तो किस्सा मालूम ही है ना। अब दूर आग देखी तो कहने लगे इन्नी आनस्तु नारा, अपने घर वालों से कहा, घर वालों से मुराद कौन है, सिर्फ बीवी है, आप यहाँ रुक जाओ, मैं वो आग है वहाँ कोई आदमी होंगे और उनसे खैर खबर लेके आता हूँ, रास्ता भी पूछ के आता हूँ, कुछ आग भी ले आता हूँ, सर्दी है, ठिठर रहे हैं हम, ताकि थोड़ा सा हम यहाँ अपने आप को गर्म करेंगे सर्दी से। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ आवाज़ आई कि ये रब की तरफ से आवाज़ आई, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, इधहब इला फिरौन इन्नहु तगा, जा फिरौन के पास, और वो क्या हुआ, सरकश हो गया। अच्छा जी फिरौन के पास चले गए। अब यहाँ कुरान मकसूदी बात को जिक्र करता है। अब जहन में सवाल आता है बीवी का क्या बना होगा। कुरान ने कुछ नहीं छेड़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे, बीवी को लिया नहीं लिया, कहाँ गई, क्या हुआ, इस बात को कुरान नहीं जिक्र करता। बात समझे जी। कुरान क्या कहता है, मकसूदी अज़ा को जिक्र करता है। अब यहां एक शख्स की सीरत आपको पता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के पैगंबर हैं, तो जाहिर है उन्होंने अपनी अहलिया को साथ लिया होगा, बेसहारा नहीं छोड़ा होगा। ये मतलब है कि अगर किसी शख्स की सीरत का आपको पता हो ना तो फिर आप खुद फैसला कर लेंगे। वो कुरान हमारे अफहाम पर, हमारी समझ पर छोड़ देता है इस बात को, मकसूदी अज़ा जिक्र करता है, समझे जी। तो इसलिए ये बात समझने की है कि ये जा बजा जहाँ किस्से आते हैं, कुरान सिर्फ मकसूदी जुज को ले लेता है, एक फिक्रे को ले लेता है, बाकी सारी तारीख आगे पीछे की छोड़ देता है। जिस जगह पर जो मकसूदी बात होती है उसको कुरान, उस एक टुकड़े को, उस एक मोती को कुरान उठा लेता है और वो इस जगह की जीनत बन जाती है और बाकी सारा वाकया छुप जाता है वहाँ।
अब आप देखेंगे इन वाकयात पे आप गौर करें। मैंने अर्ज किया कि ये वाकयात इसलिए सुनाए किस लिए कि ए नबी देखो गुज़श्ता नबियों को कौमों ने क्या जवाब दिए, आपको भी इस तरह के सख्त जवाब मिलेंगे, ये मकसूद है इन वाकयात का। अब देखिए अल्लाह अकबर, चूंकि आप दावत दे रहे हैं और आप नसीहत कर रहे हैं और आप कुरान के जरिए से लोगों को डराएंगे तो लोगों के क्या जवाब आते हैं। अब आप कौमों के हालात, गुज़श्ता नबियों की दावत को देखिए और उनके कौमों के जवाब आप देखिए। लकद अरसलना नूहन इला कौमिही, तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, या कौमी अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम, या कौमी ए मेरी कौम, अबुदुल्लाह अल्लाह की बंदगी करो। अबुदुल्लाह का जहाँ पर लफ्ज़ है उसका माना है वाहिदुल्लाह, खालिस अल्लाह की बंदगी, तौहीद पर आ जाओ। मैंने अर्ज़ किया कि बंदगी तो कर रहे थे नूह अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह की मुनकर नहीं थी, तो अबुदुल्लाह का माना क्या है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं अबुदुल्लाह जहां आता है वाहिदुल्लाह है, अल्लाह को एक मानो, ये माना है इसका। मालकुम मिन इलाहिन गैरहु, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, कोई तुम्हारा रब नहीं है, कोई तुम्हारा पालनहार नहीं है, कोई तुम्हारा काम बनाने वाला नहीं है, बेटे बेटे देने वाला वही है। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, इन्नी अखाफु अलैकुम, मुझे डर लगता है, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बुरे दिन के अज़ाब का मुझे डर है और मुझे अंदेशा है कि अगर तुमने अल्लाह को छोड़कर, खालिस अल्लाह को छोड़कर किसी और की परस्तिश की और तुमने पूजा की और तुम शिर्क पर डटे रहे तो फिर मुझे सख्त खतरा है कि अजाब अलीम तुम्हें, अजाब अजीम है, बड़ा अजाब तुम्हें पहुंचेगा। قال الملأ, मला ने कहा, मला कहते हैं कौम के सरदार लोग, कौम की सियासी समाजी बागडोर जिनके पास होती है, सियासी एतबार से जो बड़े होते हैं, समाजी एतबार से जो बड़े होते हैं, माल के एतबार से जो बड़े होते हैं, मतलब है कि कौम के अंदर जी वजाहत लोग जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी वहां मानी जाती है, जिनका सिक्का चलता है कौम के अंदर, इनको कहते हैं मला। और हमेशा हर नबी की मुखालफत ऐसा नहीं की, आप मक्का में देख लीजिए गुरबा ने मुखालफत नहीं की है, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया, अबू लहब खड़ा हो गया, ये कौन थे, सरदारान थे ना। अच्छा, इनको सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर हम नबी की बात मान लेते हैं तो हमारी जो हैसियत है, कुर्सी है, वो दब जाएगी। भाई नबी सामाजिक काम भी तो करता है ना, अच्छा नबी सियासत में भी बेहतरीन तरीके से इंतजाम करता है, अच्छा नबी मजहबी भी बेहतरीन पैरो जो है वो बेहतरीन रहबर है, मजहबी एतबार से भी रहबर हो गया, समाजी एतबार से भी रहबर हो गया, हर एतबार से नबी बेहतरीन और शानदार रहबर है और उसकी बात हर जगह पर 100% मुस्तनद बात होती है, तो इन्हें खतरा पड़ जाता है कि अगर हम इसकी बात मान लेंगे और अगर हम मान लेते हैं तो हमारे मानने की वजह से सारी कौम क्या हो जाएगी, बोलो, नबी की ताबेदार हो जाएगी। जब नबी की ताबेदार हो जाएगी तो हमें कौन ही पूछेगा, हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो लड़ाई यहां से होती है, इसको कहते हैं हुब्बे जा, हुब्बे जा समझते हो, इख्तदार की मोहब्बत, हुब्बे जा इख्तदार की मोहब्बत, इसलिए कहा ना हुब्बे जा इख्तदार की मोहब्बत और हुब्बे माल माल की मोहब्बत, ये दो चीजें इंसान के ईमान के लिए ऐसे कातिल हैं जिस तरह से भेड़िया बकरियों के रेवड़ को तबाह करके रख देता है ना, दो भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो उन बकरियों के रेवड़ को तबाह कर देंगे, आप पर इस्लाम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह से हुब्बे माल माल की मोहब्बत और हुब्बे जा इख्तदार की मोहब्बत भी इस तरह से ईमान को तबाह कर देते हैं। कहते हैं भेड़िए के मुतालिक ये बात है कि हरीस जानवर होता है, वो एक बकरी भी पूरी नहीं खा पाता, लेकिन जब किसी रेवड़ में घुसता है तो उसका काम है सबको फाड़ना, ये उसकी फितरत है। शेर का ये मिजाज नहीं है, वो अपनी खुराक ले लेता है उसके बाद किनारे में हो जाता है, वो फिर नहीं देखता किसी की तरफ, जब तक भूखा ना हो अगले टाइम तक वो नहीं देखता। लेकिन भेड़िया उसका काम है तबाह करना, मारेगा जरूर, कत्ल जरूर करेगा,
तो इसलिए भेड़िए की मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने दी, खूनखार दो भेड़िए बकरियों के एक रेवड़ में छोड़ दिए जाए और वो बकरियां चारों तरफ से बंद हों चार दीवारी के अंदर, अंदर दो रेवड़ दो भेड़िए छोड़ दिए जाए भूखे भेड़िए, तो वो क्या करेंगे, तबाह कर देंगे बकरियों को। इस तरह से हुब्बे माल और हुब्बे जाह इंसान के ईमान को तबाह कर देती है। तो ये कौमें भी किसी में इसी चीज में, अच्छा अजीब बात यह है कि हुब्बे माल भी असल हुब्बे जाही की वजह से होता है। माल क्यों चाहता है, बड़ा बनने के लिए, इख्तदार 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 की हवस, स्टेटस अपना बड़ा करने के लिए आदमी माल भी कमाता है। मेरे पास इतना माल आ जाए, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा बंगला हो, मेरे पास मेरी जिंदगी लाइफस्टाइल मेरा अच्छा हो जाए, ये क्या कहलाता है, बोलो हुब्बे जाह। हुब्बे जाह कर देती है आदमी को तबाह, समझे ना। तो हुब्बे जाह भी असल में किस वजह से होती है, माल की मोहब्बत आदमी करता है ना, वो भी क्यों, हुब्बे जाह की वजह से। तो इन दोनों में जो बड़ी चीज है वो इख्तदार है, हुब्बे जाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखो قال الملأ, कहा सरदारों ने, من قومه إنا لنراك في ضلال مبين। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हमेशा हर कौम का वतीरा रहा, आदत रही, बराह रास्त हक को नहीं जुटला सकते, अल्लाह को जुटा नहीं कर सकते बराह रास्त। तो जो हक बात कह रहा होता है उसको बुरा भला कहना शुरू कर लेते हैं। इसी तरह से इन्ना लनरा का सीरत और किरदार पर बात करते हैं, किरदार उछालते हैं आगे। इन्ना लनरा का फी दलाल मुबीन, हमें लग रहा है आप, हमें दिख रहा है कि आप साफ गुमराही हुए, साफ गुमराही में। इन्ना जाहिर है नबी का किरदार मुतासर करने की कोशिश करते हैं, जब किरदार मुतासर होगा तो कोई उसकी बात ही नहीं सुनेगा। इन्ना लनरा का, बेशक हम देख रहे हैं लनरा का आपको, फी ज़लाल मुबीन, साफ साफ गुमराही में। क्यों, इसलिए कि आप एक अल्लाह की दावत देते हैं, ये कैसी बात हो सकती है। قال يا قوم, अब ए नबी पैगंबर, ए नबी हजरत नूह का जवाब सुन लो, कैसे कौम को जवाब दिया। قال يا قوم ليس بي ضلال, ए मेरी कौम किसी भी किस्म की गुमराही नहीं है मेरे साथ। काश कि ये बात समझ में आए बच्चों, समझो, लैस बी ज़लालतुन, ये नहीं कहा लस्तु बी ज़लालिन, मैं गुमराह नहीं हूं, लैस बी ज़लालतुन, इसमें ज्यादा ताकीद है, मेरे साथ अदना से अदना गुमराही भी नहीं है, गुमराही का शाइबा भी नहीं है। गुमराह होना तो बात की बात है, गुमराही का शाइबा तक नहीं है, लई सभी गलालतुन, शाइबा भी नहीं है। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, और ये जो तुम्हें मेरी बातें बहकी बहकी लग रही हैं, ये इसलिए लग रही हैं कि मैं अल्लाह की जानिब से रसूल हूं। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, तो अच्छा फिर गुमराह नहीं है, तो फिर आप हमारे रवैये से हमारे तरीके से क्यों हट गए। वलाकिन्नी, तो जवाब दिया वला, लेकिन इस्तेदराक के लिए आता ना कि माकबल जो कलाम के अंदर जो वहम पैदा हुआ है उस वहम को दूर किया जाता है। अच्छा फिर आप गुमराह नहीं है, तो फिर ऐसी ऐसी बातें क्यों, फिर हमारे और आपके मिजाज में हम आहंगी क्यों नहीं बन रही है। वलाकिन, इसलिए नहीं बन रही है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तुम्हारी तरह शिर्क और बुत परस्ती कर नहीं सकता। वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रसूल हूँ जहान वालों के परवरदिगार की तरफ से। उबल्ले हुकुम रिसालात रब्बी व अंसहु लकुम, उबल्ले हुकुम, हाँ मेरा फरीजा है ये, उबल्ले हुकुम, देख ए नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे समझाया कौम को ना, उबल्ले हुकुम रिसालात रब्बी, मैं पैगामात पहुंचाता हूँ अपने परवरदिगार के। व अंसहु, और मैं खैरखा हूँ, अंसहु मैं खैरखा हूँ, लकुम तुम्हारा, ये तमा की नफी है, मुझे तुमसे किसी किस्म की तमा नहीं है, मैं तुम्हारा खैरखा हूँ, कोई माल की तमा नहीं है। वो आलम मिन अल्लाही मा ला तअलमून, वो आलम मिन अल्लाही, और मैं जानता हूँ अल्लाह पाक के मामले में, अल्लाह के हालात में, अल्लाह के अहवाल, क़यामत के अज़ाब मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। अब अजीब तुम अंजाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ इस बात से। देख मजमून सूरत का क्या था, किताब उन्ज़िल इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा, नसीहत नसीहत, ये अल्लाह की तरफ से नसीहत नामा है। अब अजीब तुम, जो मक्का वालों को ताज्जुब हुआ था कि ये नबी एक गरीब घराने से,
माल नहीं है, पैसा नहीं है, क्या अल्लाह पाक ने हमारे दरमियान में से इसको मुंतखब क्यों किया है? बात समझे नहीं समझे जी? लौला अन यकून अन्नास क्या है क़रियतैन अज़ीम, इस मक्का और ताइफ में किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नुज़ूल हुआ कुरान का, आप पर क्यों हुआ? और आप कोई इंसान क्यों है, कोई फरिश्ता होते? तो जिस तरह से उस कौम ने कहा नून इस्लाम को, इसी तरह से आपको भी ये कौम यही कह रही है, आप परेशान हो। अब अजीब तुम, नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे अब अजीब तुम, क्या तुम्हें ताज्जुब है अंजाअकुम, इस बात से कि ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से क्या आई है, नसीहत आई है, आला रजुलिन मिनकुम, एक आदमी पर जो तुम्हारे में से ही है, तुम्हारे माहौल ही का है, इसी माशरे का आदमी है, क्यों लियुनज़िरकुम, मजमून याद है सूरत का मौजू नसीहत हैं, इत्तबिउ किताबन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरज मिन्हु लितुन्ज़िरा, ताकि आप डराएं, यहां पर भी बात वही आ रही है, लियुनज़िरकुम, नूह ने भी यही कहा था लियुनज़िरकुम, डराएं, डराना मकसद है, लियुनज़िरकुम ताकि वो रसूल डराए तुम्हें, वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि वलितत्तकू ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो, वलअल्लकुम तुरहमून और ताकि तुम्हारे पर रहम किया जाए। अब देखो बस इतनी बात हो गई, क्या नबी ने क्या कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने, कौम ने क्या जवाब दिए, बस फकज़्ज़बूहु, अब बाकी तफसील कुरान नहीं जिक्र करता, बस ये जिक्र करके फकज़्ज़बूहु, उन्होंने क्या किया, नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, नहीं समझे, नबी की दावत कौम के जवाब, नबी की दावत कौम के जवाब, बस यहां यही मकसूद है, इन्हीं मकसूदी अज़ा को कुरान जिक्र कर रहा है, फकज़्ज़बूहु, उन्होंने झुठला दिया, फअंजैनाहु, तो हमने निजात दे दी, वल्लदी, उनको भी और जो उनके साथ ईमान लाने, वल्लदीना माअहु, जो उनके साथ हैं, फिलफुल के किस में, कश्ती में बिठाया, अब कश्ती में बिठाया, बात वही है, कश्ती बनाई, कैसे बनी, क्या हुआ, ये यहां मजमून जिक्र नहीं है, बस वह अग्रकनल लदीना कज़्ज़बू, एक चंद अल्फाज में, बस वही यूं समझो एक आयत में सारे मजमून को समेट दिया कि ईमान लाने वाले नजात पा गए, न लाने वाले गर्क हो गए, बस एक आयत के अंदर सारे मजमून को समेट दिया, और ये मजमून उधर जाके सूरह हूद में बड़ी तफसील से जिक्र किया है, वहां किश्ती की तफसील आएगी, फिर वहां आएगा मजमून, तो फिर बताऊंगा कि वहां मकसद क्या है। فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, और हमने गर्क कर दिया, उनको तबाह कर दिया, डबो दिया पानी में, जिन्होंने हमारी आयात को जुटला दिया है, आयात को, निशानियों को, अहकाम को जुटलाया, इन्नहुम कानू कौमन आमीन, और ये उन्होंने इसलिए किया कि ये थे बड़े अंधे लोग, कौमन आमीन, अंधे लोग थे, दिल के अंधे थे, आमीन, दिल का अंधा। समझे जी? अब दूसरा तज़किरा सुनो, दजला और फरात के दरमियान में ये कौम आबाद थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, इराक के अंदर मोसल का मकाम है, वहां ये कौम आबाद थी, और उसके बाद जब तूफान आया तो तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी, ये आर्मीना और ईरान के दरमियानी रियासतें, दरमियानी इलाके के अंदर है, वहां इसके आसार पाए जाते हैं कि वहां ये कश्ती रुकी, जूदी पहाड़ वहां पर है, और फिर 60 साल नूह अलैहिस्सलाम उस अजाब के आने के बाद फिर 60 साल तक जिंदा रहे, और फिर अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। अब दूसरा तज़किरा आया, वइला आदिन अखाहुम हूदा, ये अहकाफ एक जगह का नाम है, वहां ये कौम आबाद थी, कौम आद, अहकाफ, और ये मक्का वाले लोग जो सर्दियों में और गर्मियों में सफर करते थे, गर्मियों में शाम का सफर होता था इनका, और सर्दियों में यमन का सफर होता था, तिजारती सफर इनके होते थे, और दोनों सफरों में, गर्मियों में जब शाम की तरफ जाते तो रास्ते में कौम आद पड़ती थी, कौम आद के खंडरात नजर आते थे, और जब सर्दियों में यमन की तरफ आते तो मदायन साले कौम समूद के खंडरात रास्ते में आते थे, तो इनको बार बार कहा ये खंडरात तुम नहीं देखते हो, ये बार बार आप देखेंगे आगे सूरह हिजर के अंदर तफसील में आया, वइन्ना लबी सबील मुकीम, बिल्कुल वाज़े रास्ते पर है ये तुम्हारे लिए, हाँ टीलों का था, जगह का नाम है अहकाफ, टीलों को भी कहा जाता है। वइला आदिन अखाहुम हूदा, तो
आद की तरफ हमने भेजा, अरसलना इला आदिन, ठीक है जी, अरसलना यहाँ फेल महजूफ है, अरसलना इला आदिन, और हमने भेजा आद की तरफ उनके भाई हूद को, अखाम हूदा कहकर इशारा इस बात की तरफ किया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर इसी कौम के फ़र्द थे, इसलिए अखाहुम कहा कि उनके वतनी भाई भी हो सकते हैं, बरादरी के भी हो सकते हैं। قال يا قوم اعبدوا الله, देखो इन्होंने भी यही कहा, ए मेरी कौम اعبدوا الله, अल्लाह की बंदगी करो, وحد الله के माना में है, مالكم من اله غيره, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, कोई तुम्हारा मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है, افلا تتقون, तुम बचते क्यों नहीं हो शिर्क से, तुम कुफर से बचते क्यों नहीं हो, तुम अपनी सनअत के अंदर घमंड में क्यों मुब्तला, अफला तत्तकून अल्लाह, अल्लाह तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बचते हो, तुम बचते क्यों नहीं हो, डरते क्यों नहीं हो। قال الملأ, यहां पर भी मला आ गए, قال الملأ الذين كفروا من قومه, कहां उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया था इनकी कौम में से जो काफिर थे, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, बात वही है, हर कौम एक एक ही किस्म की बात कहती है, पहले इस बारे में भी आता ना, تشابهت قلوبهم, हर एक की सबकी सोचें मिलती जुलती हैं, पूरी दुनिया का कुफर, आज से हजार साल पहले का जो कुफर था, 1400 साल पहले का जो पुराना कुफर था, उनकी बातें और आज की बातें मिलती जुलती, समझे जी, हर कोई इख्तदार का मुतलाशी, हर कोई इख्तदार का हिर्स रखने वाला, और फिरौन ने भी तो यही कहा था कि इन्नी अराकुम, मैं तुम्हें वो चीजें दिखा रहा हूं जो तुम्हें नहीं बताएं, मैं तुम्हें एक ऐसा रोशन रोशन रास्ता दिखा रहा हूं जो तुम्हें नहीं आता, समझे जी, ये मूसा इसलिए आया है, ये फिरौन इसलिए आया है कि ताकि तुम्हें यहां से निकाल दे, ये तसल्लुत चाहते हैं, ये इख्तदार चाहते हैं, इनके आने से क्या खराबियां आएंगी तुम्हें नहीं पता, आज भी दुनिया यही कहती है, इस्लाम आएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समझे जी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, हमें लगता है आप कम अकल आदमी हैं, अकल तो है नहीं है, अकल से बिल्कुल फारिग हैं, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और दूसरी बात यह है कि हमें लगता है कि आप झूठ भी बोल रहे हैं, ये कम अकली की बात इसलिए कही इन्होंने कि अच्छा कोई ऐसा भला कर सकता है कि अपने बाप दादों की रस्म छोड़े, समझे जी, इसलिए कहते हैं कम अकल है आप, बाप दादों की रस्म छोड़कर किसी और काम में लगे, ये कैसे हो सकता है, बाप दादा हमसे ज्यादा समझदार थे या हम ज्यादा समझदार हैं, ये कहते थे। अच्छा दूसरी बात आपने कहा कि मैं रसूल हूं, वह इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, हमें यकीन है, ये लाम ताकीद के लिए, इन्ना ताकीद के लिए, आप झूठ बोलते हैं। قال يا قومي, क्या खूबसूरत जवाब है, क्या तहम्मुल वाला जवाब है नबी का, देखो, قال يا قومي, ऐ मेरी कौम, लैस बि सफाहतुन, नहीं नहीं कम अकली का शायबा तक नहीं है मेरे पास, कम अकली का शायबा तक नहीं है, मैं रसूल हूं, मैं रसूल हूं, अब यहां समझो, वला किन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, हाय काश तुम्हें यह बात समझ में आ जाए, कम अकली का शायबा भी नहीं है, क्यों, इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और रसूल अकल में कामिल होता है, नहीं समझे, कम अकली का शायबा तक भी नहीं है, क्यों, इसलिए कि मैं रसूल हूं, और रसूल उस वक्त के जितने भी लोग होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा क्या होता है, अकलमंद होता है, दाना होता है, लैस बि ज़लालतुन, लैस बि सफाहतुन, मैं कम अकल नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रसूल हूँ परवरदिगार की जानिब से, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मेरा फरीजा ये है, हाँ देखो ना वही बात है, नसीहत थी ना कुरान, नसीहत है, और आपका काम कौम को डराना है, समझाना है, और कौम की तलखी आएगी, देखो हूद अलैहिस्सलाम को इसी तरह के जवाब दिए, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचा रहा हूँ, व अना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारे लिए खैर खाबी हूं, कोई तमा नहीं रखता, कोई तमा नहीं रखता, और रही ये बात कि तुम कहते हो कि हम समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, अमीन उनमें अमानतदार आदमी हूं भाई, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं आश्रय का, मैं एक इज्जतदार और अमानतदार आदमी हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, कैसी बातें तुम करते हो मेरे बारे में, अपनी सफाई तो दे दी है, ये नहीं कहा, एक जवाब तो यह था कि अरे कमबख्तो बेवकूफ, मैं नहीं हूं तुम हो, एक जवाब तो यह था, नहीं समझे जी, हमारे जैसों का जवाब तो फिर यही था, हम तो यही जवाब देते हैं, लेकिन नबी अखलाक से गिरी बात नहीं करता, समझे जी, नबी ईंट का जवाब ईंट से नहीं दिया करता, हाँ नबी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया जा करता, नबी उस बुराई को अच्छाई से दूर करता है, ये अखलाक समझाएं, ये तरीका समझाया है, हाँ ये बात है, आप अपनी सफाई दे सकते हैं,
बड़ाई नहीं है, सफाई है कि भाई तुम कह रहे हो बेवकूफ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वलाकिन रसूल मिन रब्बिल आलमीन है, मेरा काम यह है। वल्लेगुम रिसालात रब्बी, मैं समझाऊंगा तुम्हें, तुम जितनी मुखालफत करोगे फिर भी मैं समझाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं बमंजिले बाप के हूं, और बाप नाफरमान औलाद के लिए भी बाप दर्द रखा करता है। और रही बात के तुम कहते हो झूठ बोल रहे हो, नहीं, मैं अमानतदार हूं। अल्लाह अकबर। अब आजिब तुमन जाकुम जिक्रुम मिन रब्बिकुम, यही सवाल, यही इश्काल मक्का वालों का भी था। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान हम में से एक इंसान उठकर नबी बन जाए? ये कैसे हो सकता है? कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया? अब अजीब तुम, वही बात उस कौम ने भी कही। तो हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अब अजीब तुम, क्या तुम्हें ताज्जुब है इस बात से? अंजाकुम जिक्रुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास एक नसीहत आई है तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से, अला रजुलिन मिनकुम, एक इंसान पर जो तुम्हारे ही में से है, इंसान है, और वो क्यों? लियुनज़िरकुम, ताकि तुम्हें डराए। ये सूरत का मौजू है, याद है ना, सूरत का मौजू, ताकि तुम्हें डराए। वज़कुरु इस जालकुम खुलाफा मिन बादी कौम नूहिन, थोड़ा सा पिछली तारीख से सबक हासिल कर लो। कौम नूह पहले गुजर चुकी थी। वज़कुरु, याद करो, इस जालकुम खुलाफा, जब अल्लाह पाक ने तुम्हें आबाद किया है, मिन बादी कौम नूह, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम आबाद हुए थे, जो 80 या 82 लोग आजाद हुए थे अजाब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से, जो नजात पा गए थे, उन्हीं में से ये कौम है। उन्हीं 82 अफराद में से ये आगे दोनों लोग, यानी कौम आद और कौम समूद की उसी की आगे शाखें हैं। वज़ादकुम फिल खल्क़ बस्ता, और अल्लाह पाक ने तुम्हें और भी इजाफा दिया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को वो ताकत नहीं थी जो ताकत इनको अल्लाह ने दिए, जो माली इख्तदार इनको दिया, जो जिस्मानी कुव्वतें दी। वज़ादकुम, और अल्लाह पाक ने तुम्हें ज्यादा किया, फिल खल्क़, खलकत के अंदर, यानी तुम्हारे बदन के अंदर अल्लाह ने ताकत भरी है। बस्तन, खूब जिस्मानी फैलाओ अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो लिहाजा कम अज कम फज़कुरु आला अल्लाह, अल्लाह की नियमतों को तो याद करो भाई, बाकी कम अज कम इतना तो ना करो, इतना तो हद से तजावज ना करो। वज़कुरु फज़कुरु आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अब तुम कामयाबी चाहते हो तो मैं भी तो तुम्हें कामयाबी की बातें ही बताता हूँ, मैं कौन है तुम्हें तबाही की तरफ लेके जा रहा हूँ। फज़कुरु आला अल्लाह, अल्लाह की नियमतों को याद करो, तुम कामयाब हो जाओगे। समझे जी? अब फिर कौम का जवाब देखिए, सख्ती पे आगे। कालू, कहने लगे, अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नजर मा काना याबुदु आबाउना। अच्छा हूद, तू इसलिए आया है, अजितना, तू इसलिए आया, लिनअबुदल्लाह, ताकि हम सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये अल्लाह के मुनकर नहीं थे, क्या कर रहे थे? शिर्क कर रहे थे। लिनअबुदल्लाह वहदा, ताकि हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें। वह नजरा, और छोड़ दें, माँ का नया अब्दो आबा उना, तमाम उन बुतों को जिनकी हमारे आबा अजदाद पूजा करते थे। वह नजारा, और छोड़ दें माँ उन तमाम बुतों को, या अबदो आबा उना, का नया अबदो आबा उना, जिनकी हमारे आबा अजदाद पूजा करते थे। ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा फातिना बिमा तईदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, अजाब से डरा रहा है, ले आ। कौम की हठधर्मी देखो, सरकशी देखो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह पाक ने किस्सा सुनाया कि देखो ना, फातिना बिमाता, कैसी सख्त हठधर्म कौम आई। फातिना बिमाता इदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, फातिना ले आ, बिमा वो अजाब, तईदुना, जिसका तू हमसे वादा करता है, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो। दोनों चीजें यहां पर, इन कुंत मिनस सादिकीन फिन नबुवा, अगर तू नबुवत में सच्चा है, या इन कुंत मिनस सादिकीन फी वादिल अजाब, अजाब के वादे में अगर तू सच्चा है तो। फिर ले आ। काला, देखो पैगंबर का फिर जवाब, देखो फिर जवाब पैगंबर का, देखो कितना हौसले का जवाब है, तहम्मुल का जवाब है। قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب,
तो कहने लगे कद वका अलैकुम, बस समझ लो कि आ चुका है, वाक़ हो गया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रिजसुन, बला और मुसीबत, फ़ग़ज़बुन और गज़ब और गुस्सा, इस मुखालफत के नतीजे में तुम गज़ब और गुस्सा कमा चुके। बस अतुजादिलूनी फ़ी अस्माइन सम्मैतुमूहा, मुझे ये बताओ मैं तो अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ तुम्हारे पास और मैं अल्लाह की वहदानियत की बात करता हूँ, तुम अल्लाह के मुकाबले में चंद बुतों को लेकर मेरे मुकाबले में उतर आए हो। अतुजादिलूननी, तुम बिला वजह मेरे से झगड़ा कर रहे हो, फी अस्मा इन ऐसे चंद मूर्तियों के बारे में, नामों के बारे में, सम्मई तुमुहा जिनको तुमने घर लिया है, खुद तुमने घड़ा अपने हाथ से, फिर तुमने उनको नाम भी दे दिया कि ये फलां बुत है, ये फलां बुत है, ये काम करता है, ये काम करता है, तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने, मा नज़ल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, इन माबूदों के रब होने पर अल्लाह ने कोई दलील भी नहीं उतारी। मा नज़ल अल्लाह, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, सुल्तान कोई दलील नहीं, समझे बात, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, न अकली दलील न नकली दलील, न तो किसी नबी ने यह दावत दी है कि ये रब है इसको भी पूजो, और न इंसान की अकल इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह को छोड़कर गैर को पूजा जाए। लिहाजा फंतज़िरु इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतज़ार करो तुम भी, फिर मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मेरी तबाही का इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी तबाही का इंतज़ार करता हूँ। आखिरी जवाब जब तंग आ गए तो बस इतना जवाब दे दिया, फंतज़िरु इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। बात समझे जी, फिर बात वही है कि मकसूदी अज्जा आगे, फ़अंजैनाहुवल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना, हमने निजात दी उनको यानी हूद अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ ईमान लाए, लेकिन बिरहमतिन मिन्ना, ये हमने निजात दी किस वजह से, उनके अमाल की वजह से नहीं। पता चला कि इंसान अजाब से बचता है, जन्नत में दाखिला होता है, किस वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से, यह अकीदा समझाया जा रहा है। अपने अमाल पर भी घुमंड नहीं करना कहीं, रहमत मिन्ना, हमारी तरफ से रहमत हुई है, रहमत का नतीजा। वक़ताना दाबिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू, जड़ों खेड़ दी हमने, इस्तिसाल कर दिया, ख़त्म कर दिया, कताना काट दी हमने, दाबिरा जड़, अल्लज़ीन उन लोगों की, कज़्ज़बू भी आयातिना जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया, जुटलाया जिन्होंने, वमा कानू मोमिनीन, और थे ही नहीं वो ईमान लाने वाले जालिम, अगर अजाब न भी आता तो जब भी वो नहीं मानने वाले थे, इसलिए कि दिलों के अंदर कुफर पक चुका था। समझ में आ गया जी, दो किस्से। तीसरा, वइला थमूदा खाहुम सालिहा, अब तीसरे किस्से को सुनो, ये इसी की शाख है दूसरी, इनको आदे सानी भी कहा जाता है, कौम समूद को आदे सानी भी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। वैला समूदा खाहुम सालिहा, और कहा समूद को, ये जो अर्ज कर रहा हूँ कि मदायन सालेह तबूक का जो इलाका है वहाँ ये कौम आबाद थी और अब भी इसके खंडरात वहाँ पर मौजूद है। वैला समूदा खाहुम सालिहा, और भेजा हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को, सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, काल या कौम अब्दुल्लाह, कहा उन्होंने भी यही कहा, देखो हर नबी की दावत कौम का जवाब, नबी की दावत कौम का जवाब, या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक बड़ा बय्यिना और बड़ा एक मौजजा लेकर आया हूँ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। बात समझे जी, अब बड़ी गौर से सुनने की बात है। यहां मैंने अर्ज किया था कि नबी की दावत कौम का जवाब, नबी की दावत कौम का जवाब, ठीक है। जब ये मजमून आपके जहन में है ना कि इन किस्सों से, इन किस्सों से मकसूद नबी की दावत कौम का जवाब, नबी की दावत कौम का जवाब, यही बात है। अब देखें, अब अल्फाज देखें, इसी तरफ जाएंगे, कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे तरफ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से क्या आया, मौजज़ा आया, वो क्या मौजज़ा है, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम, ये अल्लाह की तरफ से ऊँटनी है, ये मौजज़ा है। अब यहाँ वो तज़किरा नहीं है कि उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहा कि भाई हमें मौजज़ा दिखाओ, इस पत्थर से ऊँटनी निकलवा, ये यहाँ तज़किरा नहीं है, दूसरी जगह पर इसका तज़किरा है, क्योंकि यहाँ मकसूद बस कौम के जवाबात का जिक्र करना है, नबी की दावत कौम का जवाब।
तो हादिही नाकतुल्लाहि लकुम, ये एक मौजज़ा है अल्लाह का, जाहिर कर दिया गया है तुम्हारे लिए आयतन, ये मौजज़े के तौर पर है, लिहाजा ख्याल रखना, ख्याल रखना, फजरूहा, इसके हुकूक अदा करना, छोड़ देना इसको, ताकुल फी अर्दिल्लाह, आज़ाद छोड़ना ताकि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, वला तमस्सूहा बिसूइन, और इसे हाथ भी मत लगाना बिसूइन, बुरे इरादे से। शाइरुल्लाह में से है, शाइरुल्लाह समझते ना, अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी, और अगर तुमने इसको छू लिया बुरे इरादे से, फयाखुज़कुम अज़ाबुन अलीम, तो तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो पता चला कि शाइरुल्लाह की ताज़ीम की जाए, ऐ मक्का वालो तुम्हारे पास भी बैतुल्लाह शाइरुल्लाह में से है, सफ़ा मरवा शाइरुल्लाह में से है, नबी शाइरुल्लाह में से है, कुरान शाइरुल्लाह में से है, इनकी ताज़ीम करना चाहिए तुम्हें। वज़कुरु इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद आदिन, थोड़ा सा पीछे से सबक ले लो, पिछली तारीख को देख लो जरा, इनसे पहले कौम आद गुजरी थी, कौम आद को कौम नूह का हवाला दिया गया था। वज़कुरु इज़ जअलकुम, और वो वक्त याद करो, इज़ जअलकुम खुलफ़ा, अल्लाह पाक ने तुम्हें आबाद किया है, मिन बाद आदिन, कौम आद के बाद, वबव्वअकुम फिल अर्द, और अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें जमीन में ठिकाना दिया है, अब नियमतें याद दिलवाई, तत्तखिदून मिन सुहूलिहा, तुम बनाते हो नरमी के साथ, आसानी के साथ, जमीन की आसानी और नरमी के साथ, कुसूरन, बड़े बड़े महल्लात, वतन हितून अलजिबाला बुयूता, और पहाड़ों को तुम तराशते हो, ये पहाड़ों को तराशते हो, तत्तखिदून मिन सुहूलिहा कुसूरन, बड़े बड़े महल्लात बनाते थे, ये महल्लात इनके सर्दियों के लिए होते थे, वतन हितून मिन अलजिबाला बुयूता, और पहाड़ों को तुम तराशते हो, बुलंदो बाला पहाड़ जहाँ खुली फिजाएं और हवाएं चलती थी, वहां ये घर बनाते थे गर्मियों के लिए, समझे जी, एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसी खुली हवाएं चलती थी, ऐसे रुख उन्होंने बनाए हुए थे, सनअतकार कौम थी ना। फज़कुरु आला अल्लाह, तो अल्लाह ने तुम्हें इतनी सलाहियतें दे रखी हैं, अल्लाह की नियमतों को याद करो, वला तअसौ फिल अर्द मुफ्सिदीन, और मत सरकशी मचाओ जमीन में फसाद फैलाते हुए। क़ाल अल मलअ, देखो ना ये भी मलअ है, इनका जवाब सुनो, अल्लज़ीन इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बर किया। अब इससे अल्लज़ीन इस्तकबरू कहा तो इससे इशारा इस बात की तरफ है कि बास ऐसे भी रहे जिन्होंने मान लिया, जिन्होंने बात नबी की कबूल कर भी ली, अहले इख्तदार लोग थे, बड़े लोग थे, लेकिन जो मुतकब्बिरीन थे, समझे जी, चूँकि सनात और हिरफत में, इल्म में, फ़न में घमंड है ना, आज भी दुनिया के फ़नून हासिल करके उसको आदमी क्या समझता है, घमंड, साइंसदान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, पता नहीं क्या कुछ है, वो सब कुछ पढ़कर क्या समझता है, मैं तो पूरी दुनिया पर काबिज हो गया हूं, वो घमंड में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है। जो उसको फन हासिल हो गया, सनात और हिरफत, कुरान और हदीस का लफ्ज न जाने, एक जेर जबर का उसे पता नहीं है, एक सूरत अल फातिहा का तर्जमा न कर सके, सुरे इखलास का तर्जमा वो न जाने, और वो भी अपने पास जो इल्म है उस इल्म के घुमंड में वही मुबतला है, तो जो उस कौम का हाल था वो आज भी है। बात समझे जी, तो हमेशा ये रोशन ख्याल लोग हैं जी, ये रोशन ख्याल किनको, जो बोरिया नशीन हैं, चटाइयों पर बैठने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, दकियानुसी लोग, समझे जी, दकियानुसी। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सेम वही बात है, देखो, काल अल मलउ लदीन इस्तकबरू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बर किया, जो मुतकब्बिर अपने इल्म और फन में तकब्बर करने लगे, मिन कौमिही, सालेह इस्लाम की कौम में से, लिल्लदीन, किन से कहने लगे, अल्लदीन इस्तज़ईफू, जो गरीब किस्म के लोग थे, कमजोर किस्म के लोग थे, उनके सामने कहने लगे, लेमन आ, और कमज़ोर में से भी वो कमज़ोर जो ईमान ले आए थे सालेह अलैहिस्सलाम पर, क्या कहने लगे, अतअलमून अन्न सालेहन मुरसल मिन रब्बी, तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ये नज़रिया कि सालेह मुरसल है, भेजा गया है मिन रब्बी, अपने परवरदिगार की तरफ से, पता चला कि परवरदिगार को ये भी मानते थे। खालू, उन्होंने जवाब दिया गोरबा ने, हाँ, इन्ना बिमा उर्सिल बिही मुमिनून, जी बिल्कुल, इन्ना बिमा, इन्ना मुमिनून, बेशक हम ईमान रखते हैं, बिमा उर्सिल बिही, उन तमाम मजामीन पर जिन मजामीन के साथ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया है, हम ईमान रखते हैं,
قال الذين استكبروا ان متكبروں نے کہا انا کافرون بے شک ہم تو کفر کرتے ہیں بالذی آمنتم به ان تمام مضامین پر جن پر تم ایمان رکھتے ہو ہم ان کا کفر کرتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. بات سمجھے جی؟ یہ مکالمے ہوئے ہیں, ایک تو نبی کے ساتھ مکالمہ ہے اور پھر قوم کے ساتھ مکالمہ, قوم کا قوم کے ساتھ مکالمہ, متکبرین کا کمزوروں کے ساتھ مکالمہ. اور یہی حال مکہ کے اندر بھی رہا اور یہی حال آج کے اندر بھی ہے, آج کے ماحول میں بھی ایسا ہی ہے. جو نظریہ اس قوم کا تھا متکبروں کا, وہ آج کے متکبروں کا بھی نظریہ ہے. پھر کیا ہوا؟ فعقر الناقة, کاٹ دی انہوں نے پیر, اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا. فعقر الناقة, شاعر اللہ ہے نا, اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی چاہیے تھی, تم نے تذلیل کی ہے. فعقر الناقة, انہوں نے کاٹ دیے پیر, اونٹنی کے پیر, پونچوں کو کاٹ دیا. وعتوا عن امر ربہم, اور سرکشی کر دی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی. وقالوا یا صالح, اور یہاں تک نوبت آ پہنچی, کہنے لگے اے صالح, ائتنا بما تعدنا, لے ہاں جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. ان کنت من المرسلین, اگر تو رسول تو لیا, ہم تو نہیں مانتے. اللہ اللہ, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين, فأخذتهم الرجفة, پھر پکڑا ایک چیخ, ایک زلزلے نے ان کو. فأصبحوا, وہ ہو گئے, فی دارهم, اپنے گھروں میں, جاثمین, اوندے منہ. رات کو ایک زلزلہ آیا اور صبح سب کے سب اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. فتولى عنهم, تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پیچھے ہٹے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین, بڑے افسوس سے اور ٹوٹے ہوئے دل سے صالح علیہ السلام نے جب کھنڈرات دیکھ لیے, سب مرے پڑے ہیں, ایک چیخ آئی, بعض نے کہا چیخ ہے رجفہ سے مراد, اور بعض نے کہا کہ ایک زلزلہ ہے. صیحہ بھی لفظ آیا ہے اور رجفہ بھی آیا ہے, اور رجفہ ایک زوردار کڑاکے کی آواز کو کہتے ہیں, اور صیحہ ایک چیخ کو کہتے ہیں. فرشتہ آیا, اس نے چیخ لگائی, مر گئے سارے. اللہ اکبر. تو کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ وقال یا قومی, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہارے پاس اپنے پروردگار کے پیغام کو, اور وہ پیغام موجب نجات تھا, نجات کا ذریعہ تھا. لیکن ولا نصحت لکم, اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ تھا, خیر خواہی کی باتیں میں کہتا رہا. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن افسوس یہ ہے کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو, تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو. آج بھی قوم کا یہی حال ہے, نصیحت اور خیرخائی کرنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ مطلب کی بات کرو تو جی حضور, شاباش. مقصد کی بات کرو, ایسی بات کہ اگلے کی تعریف کرو, جھوٹی تعریف کرو, وہ اتنا اس بات کا اہل نہیں ہے, آپ تعریف کریں, آپ سامنے جی حضور کرتے رہیں, تو آپ کا سارا مجمع حامی ہے. جیسے ہی آپ نے حق سنا دیا, نصیحت کی بات کر دی, ایسی بات کہ جس سے اس کی آخرت سنورے, تو وہ دشمن بن گئے. یہ ہے ولکن لا تحبون الناصحین. تو ان قصص اور واقعات سے کیا سمجھا؟ صرف بس محض صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے, محض ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے, محض نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے, اس میں سبق ہیں سارے. اور میں نے پھر بات وہی عرض کر رہا ہوں, دوبارہ دہرا رہا ہوں, جو جرائم ان اقوام کے اندر تھے وہ جرائم آج موجود ہیں. سمجھے جی؟ ملی جلی باتیں. تشابہت قلوبہم, لا الہ الا اللہ. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, بات وہی ہے سبحان اللہ, کہ قوموں, نبی کی دعوت, قوموں کے جواب. بات یاد ہے نا, نبی کی دعوت اور قوموں کے جواب, یہ مقصد تھا ان واقعات کے سنانے کا. اور قرآن مجید نصیحت ہے, جیسے انہوں نے نصیحت کی باتیں کی, قرآن بھی ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے, اب قصہ آیا اگلا. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہو گیا, ہود علیہ السلام کا بھی ہو گیا, صالح علیہ السلام کا بھی ہو گیا. چوتھا قصہ آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے ہیں,
और सदूम इनकी बस्ती है जिस बस्ती के अंदर ये मफ़ूस थे। और इनकी कौम के मुतालिक मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंतहाई बेहयाई और फहाशी के अंदर मुबतला थे। फहाशी और बेहयाई के अलावा डकैती के अंदर मुबतला थे, डकैत थे और बड़े बड़े सख्त अखलाकी जराइम के अंदर मुबतला थे और बहुत सख्त तरीन इन पर अल्लाह पाक ने अज़ाब नाजिल फरमाया। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और हमने भेजा लूत अलैहिस्सलाम को और उसने कहा अपनी कौम को, क्या कहा? अतअतूनल फाहिशता, कि तुम आते हो बेहयाई के पास, तुम बेहयाई के मुर्तकिब हो गए हो, ऐसी बदतरीन बेहयाई के मुर्तकिब हो गए हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिन अलआलमीन, नहीं सबकत की तुमसे पहले जहान वालों में से किसी ने इस किस्म की बेहयाई का इर्तिकाब नहीं किया। इन्नकुम लतअतूनर रिजाला, उसी बेहयाई की तशरीह करके बता दी ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों को सबक मिल सके कि इस बेहयाई का बदतरीन नतीजा क्या है। इन्नकुम, बेशक तुम, लतअतून रिजाला, आते हो मर्दों के पास, शहवतन, अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, मिन दून निसा, औरतों को छोड़कर, बल अंतुम कौम मुसरिफून, तुम हद से तजावज करने वाले हो। क्या मतलब हद से तजावज? हद इंसानियत से भी तुम गुजरे लोग हो, इंसानियत के हद से ही तुम निकल गए हो। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन करियतिकुम इन्नहुम उनासुन यतत्तहहरून। अब उसलूब बदल दिया, बात वही है, उसलूब बदला है जवाब का, समझे जी। फमा काना जवाब कौमिही, कौम का जवाब सवाए इसके और क्या हो सकता था? क्या जवाब है कि एक शख्स जो तुम्हें हिदायत की बात बता रहा है, निकालो इसको यहां से, भगाओ इसको यहां से। इल्ला अन कालू, वमा काना जवाब कौमिही, नहीं था कौम का जवाब इल्ला, मगर यही था, अन कालू, कहने लगे, अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, लूत को और इसके मानने वालों को निकाल दो इस बस्ती से। बात समझे जी? क्यों? इन्नहुम उनासुन यतत्तहहरून, ये बड़े सुथरे लोग बनते हैं, ये बड़े साफ लोग बनते हैं, ये बड़े सुथरे बनते हैं। मतलब है कि ये कह रहे हैं कि ये बेहयाई का काम गंदा काम है, हम जिस तरह से चाहें अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें, जिनसी तस्कीन के लिए जो राह हम इख्तियार करते हैं उस राह को ये कहते हैं ये नापाक काम है, ये गलीज काम है, ये गंदा काम है, ये इंसानों ने भी नहीं किया, हैवानों का काम है, हैवान भी ये काम नहीं करता है। तो ये जनाब हमें कह रहा है कि जनाब तुम नापाक लोग हो, गंदे लोग हो, निकालो इनको यहां से। अल्लाह अल्लाह, फअंजैनाहु वअहलहु इल्ला इम्रअतह, बस बात वही है, मकसूदी बात आ गई। फान जईना हो, हमने लूत को निजात दी, वाहला और उनके मानने वालों को, इल्लम राता, मगर बीवी को निजात न मिल सकी, बीवी कुफर पर थी। तो लूत अलैहिस्सलाम की नबुव्वत भी बीवी को न छुड़ा सकी, कानत मिनल गाबिरीन, वो थी पीछे रहने वालों में से, निफाक वालों में से, पीछे रहने वालों में से। मतलब अजाब उस पर भी आया। और जब भी नूह अलैहिस्सलाम के घर में, लूत अलैहिस्सलाम के घर में कोई मेहमान आते तो ये सबसे पहले कौम को इतला करती थी। अल्लाहु अकबर। अब यहां वो अजाब का तफसीली तज़किरा यहां पर नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां मकसूदी अज्जा क्या थे? नबियों की दावत, कौम का जवाब, नबियों की दावत, कौम का जवाब। बस अल्फाज उन्हीं मजामीन के इर्द गिर्द हैं। वह अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने बरसाया उनके ऊपर पत्थर बरसाए, पत्थर बरसाए। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, फिर देख क्या अंजाम रहा इन मुजरमों का। सदूम की बस्तियों को आज भी जाके देखो कि दुनिया के अंदर सबसे, पूरी कुर्रे अर्जी में सबसे नीचे जगह है ये, पूरी कुर्रे अर्जी में सबसे नीचे जगह है। इसलिए कुरान कहता है, फजअलना आलियाहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक, उसके ऊपर के हिस्से को नीचे अल्लाह ने कर दिया, बाहरे मैयत कहा जाता है उसको, और ऐसी सख्त उस जगह पर जहरीली जहरीली निमकियात हैं कि कोई शय वहां जानदार नहीं रह सकती। तो ये अल्लाह पाक ने ये निशानियां छोड़ी है समझने के लिए। उर्दुन के अंदर मौजूद है ये। वअमतरना अलैहि मतरा फंदुर कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन। चलो पांचवा किस्सा सुन लो। वइला मदयन अखाहुम शुएबा। अल्लाह अकबर। तो ये क्या था इनमें? बोलो। माली तबाही में मुबतला थे, माल की तबाही। वइला मदयन अखाहुम शुएबा, और याद करो हमने भेजा मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को। अच्छा, मदयन
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीन बीबियां थीं, एक का नाम हाजरा या हाजर जिससे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम से फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और दूसरी सारा थी जिससे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के आगे बेटे 12, फिर वो कबाइल बनी इसराइल के 12 कबाइल बनते हैं। ठीक है जी। तीसरी बीवी जिसका नाम कतूरा बताया जाता है, कतूरा काफ त्वा वाव हुरा अलिफ कतूरा, तो कतूरा का एक बेटा थे मदियन, और फिर ये मदियन से पूरी कौम बन गई, ये कौम मदियन कहलाती है। तो इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया कहलाए, और फिर इसी कौम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मबऊस हुए थे। बात समझ आई जी। अब यहां दो बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं समझने की हैं, कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में कई जगहों पर आता है, और कहीं तो अस्हाबुल ऐका सूरह शुआरा में आता है, कज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाला लहुम शुएबन अला तत्तकून, अस्हाबुल ऐका ने कौम नबियों को जुटलाया, जब उनको शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से नहीं डरते हो, अस्हाबुल ऐका झुंड वाले दरख्तों के झुंड थे वहां, और वैला मदियना खाहम शुएबा, और मदियन की तरफ जब शुएब अलैहिस्सलाम की नस्बत हुई है तो वहां लफ्ज आता है अखाहम, मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, और जहां अस्हाबुल ऐका का लफ्ज आता है वहां पर अखाहम का लफ्ज नहीं आता। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं जी क्या कहा मैंने, जहां पर अस्हाबुल ऐका का लफ्ज आता है वहां पर शुएब अलैहिस्सलाम की कराबतदारी नहीं जिक्र की, और जहां मदियन का तस्करा आता है वहां शुएब अलैहिस्सलाम की कराबतदारी उनके साथ बताई, लफ्ज अखाहुम के मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, तो पता चला शुएब अलैहिस्सलाम किस में से थे, कौम मदियन में से थे, उसी कौम के फर्द थे। अच्छा, उसी कौम के फर्द थे, लेकिन अस्हाबुल ऐका की तरफ भी शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए हैं। अब इसमें बाद मुफस्सरीन ने कहा कि अस्हाबुल ऐका की तरफ शायद कोई दूसरे शुएब भेजो, लेकिन अक्सर की राय है कि नहीं, वही शुएब हैं जो मदियन की तरफ भेजे गए और वही शुएब अस्हाबुल ऐका की तरफ भेजे गए। फिर बाद ने यह कहा कि अस्हाबुल ऐका और कौम मदियन एक ही है, अस्हाबुल ऐका झुंड वाले, चूंकि ये दरख्तों की आबादी थी, वहां आसपास दरख्त थे, सरसब्ज लहलाते दरख्त थे, तो इसलिए इनको अस्हाबुल ऐका भी कहा गया है, समझे। लेकिन अक्सर और बेशतर मुफस्सरीन की ये राय है कि नहीं, अस्हाबुल ऐका अलग कौम है और कौम मदियन अलग कौम है, और एक ही नबी हैं शुएब जो दोनों कौमों की तरफ मबऊस हुए हैं, पहले मदियन की तरफ मबऊस हुए और उनकी तबाही के बाद फिर ये आए हैं अस्हाबुल ऐका की तरफ, और अस्हाबुल ऐका ये वही तबूक का इलाका लगता है, यहाँ पर जो है ना बहुत दूर दूर तक जो है दरख्त रास्तों के किनारे पर दरख्त फैले हुए थे, और इनकी आमदनी का जो जरिया था वो यही बागात थे, ये थे देहाती लोग, लेकिन हैं तजारती, ये भी तजारती थे, और उधर जो असहाब मदियन हैं वो जरा शहरी आबादी के अंदर रहने वाले थे, वो तहजीब याफ्ता लोग थे, मुतमद्दन लोग थे, और ये जो है ना जरा गंवार और देहाती किस्म के लोग थे, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम एक ही हैं जो दोनों कौमों की तरफ मबूस हुए। बात समझ आई जी। वइला मदियना खाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, काल या कौम इबदुल्लाह, कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंद इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत मददगार नहीं है तुम्हारा, कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास आ चुके तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पैगामात, लिहाजा फाउफुल कैला, फिक्री इनकलाब पैदा करने की कोशिश की है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने, सोचों को बदलो, तुम अपने पेट के लिए सब कुछ करते हो, बस ये तुम्हारा मंशा है, ये तुम्हारी सोच है, बदलो इसको, फाउफुल कैला वल मीज़ान, बराबर करो कैल को, नाप को, वल मीज़ान वजन को, वला तब खसुन नास अशियाअहुम, और मत कम करो लोगों की चीज़ों को तोलते वक्त, वला तुफसिदु फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा, और ज़मीन में डकैतियाँ करके फसाद मत पचाओ, और अकीदे का फसाद बदअकीदगी करके फसाद मत पचाओ, अल्लाह ने इसको पाक बनाया है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है दीन के एतबार से भी दुनिया के एतबार से, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम इन मोटी बातों को भी मानते हो तो। ये तो अक्ल में भी बात आती है कि भाई नाप तोल में कमी
कलामी नहीं करना चाहिए, क्यों किसी का नुकसान करते हो। वला तक़ुदु बिकुल्लि सिरातिन, डाका जनी क्यों करते हो। वला तक़ुदु, मत बैठा करो, बिकुल्लि सिरातिन, हर रास्ते पर। तो इदूना, वहां बैठकर तुम डराते धमकाते हो। वतसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। मन उस शख्स को, आमना बिही, जो अल्लाह पर ईमान लाता है। वतबगूनहा इवजा, और तुम अल्लाह के रास्ते में कजियां तलाश करते हो, टेढ़ियां तलाश करते हो, एतराजात ढूंढते हो। वज़्कुरु इज, हर नबी ने देखो ये बात की, वज़्कुरु इज अंतुम, वज़्कुरु इज कुंतुम क़लीलन, वो वक्त याद है तुम्हें, तुम बहुत कमज़ोर थे माल में। फकस्सरकुम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी बड़ी कसरत दी। फंदुरु, और देखो, कई फ़काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, इंजाम क्या हुआ इफ़साद करने वालों का। ज़मीन में फसाद फैलाने वाले पीछे कौमें गुजरी हैं, उनका क्या इंजाम हुआ। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, और फरमाया कि था एक गुरु अगरचे उनमें से, आमनू ईमान लिया, बिल्लदी उन तमाम मजामीन पर, उर्सिल तो भी जिसके साथ मुझे भेजा गया, यानी कुछ लोग ईमान लाए। वताइफतन लम युमिनु, और कुछ ईमान नहीं लाए। फसबिरु, ज्यादा इंतजार कीजिए। हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहां तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान में फैसला करता है। वहुवा खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। इंतहाई मुअस्सर तकरीर थी हजरत शेख अल इस्लाम की, अजीब कलिमात हैं इनके। अब एक एक लफ्ज पर आप गौर करो, ऐसे जामे अल्फाज, उस कौम के जो अखलाकी, अकीदे की, समाजी, माशरती तमाम तबाहकारियों को चंद जुमलों में बयान कर दिया। समझे जी, खतीब उल अंबिया कहा जाता है शेख़ुल इस्लाम को, खतीब उल अंबिया, अंबिया के खतीब थे। समझे जी, तो बड़े जानदार कलिमात हैं, आप इन कलिमात में गौर करो, बार बार इनको आप पढ़ो। समझे जी, अब देखो कौम का जवाब, बात वही आई है ना, सवाल जवाब है। قال الملأ الذين استكبروا من قومه, कहा उन सरदारों ने, तकबर में तो आ गए ये भी माल के घमंड में, अल्लाह अल्लाह, हर कौम का वतीरा एक ही है भाई, क्या कहा। لنخرجنك يا شعيب, ऐ शुएब, निकालेंगे आपको यहां से, निकाल देंगे बस्ती से आपको। والذين آمنوا معك, आपको भी और जो आपके पैरोकार हैं, उन सबको हम निकालेंगे। من قريتنا, इस बस्ती से, या यहां रहने की एक ही सूरत है। औलताउदुन्ना फी मिल्लतिना, या क्या कर लो, वापस आ जाओ हमारे दीन पर, या तो हमारी बात माननी पड़ेगी या निकलना पड़ेगा यहां से। एक बात में एक एक करो, जो मर्जी है करो, यहां रहना है तो फिर हमारी बात माननी है भाई, नहीं तो फिर निकल जाओ यहां से। قال اولو كنا كارهين, ये कैसी बात करते हो, हमें तो तुम्हारी मिल्लत पसंद नहीं है। हमें, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें तो तुम्हारा दीन पसंद नहीं है, तुम जिस राह पर चलते हो, डकैतियां करते हो, मैं तो नहीं कर सकता। समझे जी, नाप तोल में तुम कमी करते हो, हमें तो ये पसंद नहीं है। तुम्हारी बद अखलाकियाँ, बद किरदारियाँ, समाजी खराबियाँ, माशरती खराबियाँ, ये तो हमें पसंद नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं। कदिफ तरीना अल्लाह कदिबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इन नजान अल्लाह मिन्हा, अगर ऐसा हो गया, अगर मैं वापस आ जाऊँ तुम्हारी मिल्लत में, तो फिर मैं क्या होगा, ये अल्लाह पर मैं झूठ बांधूंगा, ये नहीं हो सकता। कदिफ तरीना अल्लाह कदिबन, फिर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे। इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे मिल्लत की तरफ और शिर्क की तरफ वापस आ जाते हैं, तुम्हारे माशरे की तरफ आ जाते हैं। बाद इद नजान अल्लाह मिन्हा, अल्लाह पाक ने नबी बनाकर हमें इस गंदे माशरे से निजात अता की है। वमा यकून लना अन नऊद फीहा, और हमें जेब नहीं देता कि हम उस तुम्हारे गंदे माशरे की तरफ वापस पलट के आए। इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुना, हाँ डर भी लगता है कि खात्मा कहीं कुफर पर तो ना हो जाए। देखो अल्लाह का पैगंबर भी ये कह रहे हैं, अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुफर की तरफ वापस पलट जाएं, वरना हमारा इरादा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा परवरदिगार जानता है कि किसका अंजाम कैसे होने वाला है। अल्लाह ही तवक्कलना, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, ए हमारे परवरदिगार, आप फैसला फरमाइए हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान में हक का फैसला। व अंत खैरुल फातिहीन, आप बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। व क़ौलल मलअुल लदीना कफरू मिन कौमिही लैन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इदल लखासिरून, शुएब अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत जब उन्होंने देखी, बड़ी जानदार तकरीर शुएब अलैहिस्सलाम की, उन्होंने कहा था लनुखरिजन्नक या शुएब, हम आपको निकालेंगे या आप पलट के आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अल्लाह पर झूठ बांधूंगा, और मैं अल्लाह पर झूठ नहीं बांध सकता हूं,
मैं तो मरते दम तक नहीं वापस आ सकता, हाँ नहीं मालूम खात्मा कैसे हो जाए। तो फिर उसके बाद जब कौम ने देखा कि ये तो मुतासिर हो नहीं रहा, तो फिर शुएब अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे उनके पीछे पड़ गए। बात समझे नहीं समझे? وقال الملأ الذين كفروا من قومه, काफिरों ने कहा शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के, हैं لئن اتبعتم شعيبا, अब ये शुएब अलैहिस्सलाम की तकरीर को बेअसर करने के लिए उन्होंने अपने गिर्द नवाह के अंदर ये बातें फेंकना शुरू कर दी। क्या? لئن اتبعتم شعيبا, अगर शुएब की इतवा करोगे انكم اذن لخاسرون, तो बड़ा खसारा है। शुएब कहता है कि भाई साफ साफ तोलो, शुएब कह रहा है कि जनाब क्या है, तुम कमी बेशी न करो, ये करोगे तो फिर क्या होगा, तजारतें ठप हो जाएंगी, सच बोलेंगे मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, सच बोलेंगे तजारतें तबाह हो जाएंगी, खसारे ही खसारे हैं तजारतों में। शुएब की बात सुनकर तो खसारा है, अल्लाह अल्लाह। फिर फाखरत हम रजफतु, पकड़ा उनको जिलजिले ने, फस बहुफी दिया रिम दार हिम जाते मीन, और अपने घरों के अंदर ऊंधे मुंह पड़े रह गए। अल्लदीन कज़्ज़बू शुएबन, देखो जाके जिन लोगों ने शुएब को जुटलाया, कअल्लम यगनौ फीहा, ऐसे थे गोया के वहां रहे ही नहीं। अल्लदीन कज़्ज़बू शुएबन, और वो लोग जिन्होंने जुटलाया, कानू हुमुल खासिरीन, नहीं समझे, कानू हुमुल खासिरीन, शुएब की इत्तबा करने वालों को ये कह रहे थे कि तुम क्या हो जाओगे, खसारे में हो जाओगे। अल्लाह कह रहा है ना ना, जिन्होंने शुएब को जुटलाया, कानू हुमुल खासरीन, ये खसारे में। नबी की बात ठुकराना खसारा है, नबी की बात मानना खसारा नहीं है। फतवल्ला अनहम, फिर शुएब अलैहिस्सलाम उनसे पीछे हटे और कहा, वकाल या कौम लकद अबलगतुकुम रिसालात रब्बी, हाय काश मेरी कौम में अपने रब के पैगाम तुम्हें पहुँचा तो कहूँ, व नसहतु लकुम, और बड़ी तुम्हें नसीहतें की हैं, फकैफ आसा अला कौमिन काफिरीन, अब मैं कैसे गम कर सकता हूँ काफिरों पर, अपने हाथों तुमने मुसीबत को खरीदा है, अपने हाथों तुमने आजाब को खरीदा है, अब मैं तुम्हारे पर अफसोस नहीं करता हूं, मरो जाओ, समझे जी। उसके बाद फिर एक कानून जिक्र किया, वमा अरसल्ला फी करियति मिन नबीयिन, एक कानून है, और उस कानून के बाद फिर आगे तफसील से किस्सा आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का, अब छठी कौम का किस्सा आएगा, समझे जी, ये इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। ला इलाहा इल्लल्लाह।